आज एक अदालत ने सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के उसके मोजस जज जो थे मोहम्मद असगर खान साहब, उन्होंने अडियाला जेल में बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा जो है उसको आज निपटा दिया। फैसले में जेर हिरासत जो 5 मरकजी मुलजमान थे उनको रिहा कर दिया गया। 2 पुलिस अफसरान को मुजरमाना गफलत पे 17 बरस, दोनों को 17 बरस कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई और जनरल परवेज मुशर्रफ को इसमें इश्तिहारी करार दे दिया गया। फैसला सुनाते हुए जज ने इन 5 मुलजमान एतजाज शाह, शेर जमान, हसनैन गुल, रफाकत हुसैन और कारी अब्दुल रशीद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। साबिक DIG सऊद अजीज और SP खुरम शहजाद को मुजरमाना गफलत बरतने पर 2 मामलात में मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा दी गई और ये दोनों अफसरान इस वक्त जमानत पर थे, अदालत के अहाते के अंदर मौजूद थे और अदालत ने हुक्म दिया कि उनको वहीं से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया जाए। सऊद अजीज जो थे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के वक्त रावलपिंडी पुलिस के सरबराह थे। खुरम शहजाद रावलपिंडी इलाके रावल टाउन पुलिस के इंचार्ज थे। लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया और इसमें बड़े सवालात जो हैं वो जन्म ले चुके हैं। खुद पीपल्स पार्टी के मैंने मुख्तलिफ लीडर्स को आज टेलीविजन पर सुना, तो मुजाहिद बरेलवी के प्रोग्राम में, एक दो और प्रोग्राम्स में, खबरों में, 24 पे मैंने उनको देखा कि वो उन्होंने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अभी अपना लायहा-ए-अमल तैयार कर रहे हैं कि इसके ऊपर उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करना है। कोशिश करते हैं कि आज भी अगर कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा इस प्रोग्राम में अपना मौकफ दे दे। लेकिन आजकल मुस्लिम लीग नून में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, उनके कैंप से बहुत बेचैनी पाई जा रही है। ऐसे पूरी फोकस जो है वो NA120 का इलेक्शन है, पूरी पार्टी की ताकत, एनर्जी, रिसोर्स जो है वो NA120 पे लग रही है। हुकूमत का रिसोर्स NA120 पे है, रियासत की जितनी भी ताकत है वो NA120 के ऊपर लग रही है, क्योंकि नून लीग के अंदरूनी खाना लोगों का ये ख्याल है कि NA120 आने वाले दिनों में उनकी सियासत का तायुन करेगा कि वो सियासी तौर पे जिंदा रहते हैं कि पार्टी अपनी कुदरती मौत मर जाती है। ये उनको यकीन है कि 2013 वाला रिजल्ट नहीं आएगा, यानी जितना मार्जिन मिला था 2013 में उनको, ये वो वाला रिजल्ट नहीं होगा। ये बड़ी क्लोज और नेक टू नेक फाइट होगी और नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इस हलके में सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। एक तो धांधली होती नज़र नहीं आ रही, यानी एक तरफ अब इतनी नज़रें लग गई, इतने कैमरा लग गए कि यहाँ पे धांधली उनके लिए अब मुमकिन नहीं रहा और दूसरी तरफ वो जो है उनका ख्याल है कि लो टर्न आउट होगा, 22 से 23% टर्न आउट होगा और उसकी वजह से उनको नुकसान होगा कि जो उनको मार्जिन मिल सकते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। तीसरा, यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरी जमात जो मिल्ली अवामी पार्टी जिसके सरबराह हाफिज सईद हैं वो मंजरे आम पे आई है। मिल्ली अवामी पार्टी जो है एक बड़े तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से इस हलके में कैंपेन कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे रहने वालों का ये ख्याल है कि मिल्ली अवामी पार्टी जो है यकीनन मिल्ली मुस्लिम लीग ये जो है ये तीसरी कुव्वत के तौर पे वहाँ पे उभरेगी और यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ 600 से 700 वोट पड़ेंगे, तो वो तो मुझे लगता है सिर्फ जहमत ही कर रहे हैं इलेक्शन में खड़ा होने और कागज़ों की स्याही वहाँ पर ख़राब करने। और जमात इस्लामी के कैंडिडेट का भी कुछ ज़्यादा इससे डिफरेंट हाल नहीं है। और जमात इस्लामी के लोगों को तो यही मशवरा दिया जा सकता है कि इज़्ज़त बचाएं और किसी इत्तेहादी का साथ दे दें तो वो जो आपको चंद वोट पड़ने हैं वो उसको ही पड़ जाएं और स्टोरी वो हो जाए। NA120 का इलेक्शन जो है मरियम नवाज़ और नवाज़ ख़ानदान के लिए डू और डाई का इस वक्त मसला बना हुआ है। अगर बेगम कुलसूम नवाज़ हार जाती हैं तो पार्टी की क़यादत वंस एंड फॉर ऑल मियाँ शहबाज शरीफ के हाथों में होगी, जो मरियम को किसी भी तरह काबिले कबूल नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी के सरबराह हों। जो फैमिली में दरार पड़ी हुई है वो अब बहुत ज़्यादा सामने आ चुकी है। लेकिन NA120 का इलेक्शन नून लीग जीतना इस वक्त ज़रा सा मुश्किल आ रहा है। बज़ाहिर उनकी रैलीज बड़ी हो रही हैं
यानी जलसे जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो बड़ी हो रही हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि 3 से 4 हज़ार पुलिस वालों की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं वहाँ पे कि वो जाके उनको क्राउड्स को यानी बड़ा होने का तासर दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टीज़ को मौका नहीं दे रहे, उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उनके बैनर्स उतारे जा रहे हैं, उनके सपोर्टर्स को मारा जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, जदकूब किया जा रहा है। और हमेशा असल में नवाज़ लीग ने इलेक्शन तो मैनेज किया है, इस बारी वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन उनसे मैनेज नहीं हो रहा। आइंदा चंद हफ्ते मियाँ शहबाज शरीफ के लिए बहुत अहम है, ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ की सियासी यानी जो ज़िंदगी है उसके लिए, बल्कि उनकी आम और घरेलू ज़िंदगी के लिए भी वो इंतहाई अहम है। और मियाँ शहबाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने कल देखी, उसमें उनके बॉडी लैंग्वेज और उनका अल्फाज का चुनाव जो था वो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसको बज़ाहिर वो इंडिकेट कर रहे हैं। उनके ऊपर नए स्कैंडल, नई खबरें और नए करप्शन के इल्ज़ाम जो हैं वो अनकरीब आ सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब हर जगह पे रिकॉर्ड को आग लग चुकी है, लाहौर मेट्रो बस का हो या शुगर मिल का हो, कहीं पे भी एलडीए की बिल्डिंग को 2-2 बारी आग लग चुकी है, तो उनके लिए अपना दिफा करना ज़रा मुश्किल होगा। ऐसे में चौधरी निसार जो मंजर से आउट हुए में हैं, सियासत से आउट नहीं हुए, वो बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। अगर मियाँ शहबाज शरीफ अगले 1 से 1.5 हफ्ते में डैमेज होते हैं मज़ीद, तो चौधरी निसार जो हैं वो मरकजी कायद के तौर पे नून लीग के उभरेंगे। इस वक्त भी पार्टी के 52 MNAs और काफ़ी MPAs जो हैं चौधरी निसार से रोज़ बराह रास्त रबते के अंदर हैं, और चौधरी निसार के इशारे के मुंतज़र हैं कि वो इशारा करें तो वो पार्टी छोड़े और वो नया लाहे अमल जो है उसका ऐलान करें। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो नैब के आखिरी केस से भी क्लियर हो गए, पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन हैं, और आज बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का फैसला भी सामने आ गया है। दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है, चाहे वो इस्लामाबाद के हलकों में हो, चाहे वो पन के अंदर हो, अमरीका के जो बयान हैं, उन अमरीकी सदर के जो बयान हैं उनकी वजह से। लेकिन एक जब मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद तो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊँगा जो आपको परेशान भी करेंगी और आपको भी कई सवालात आपके भी जन्म लेंगे जिनके जवाबात आज अदालत के फैसले से नहीं मिले हमें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि मियां नवाज शरीफ ने जो मुस्लिम लीग कन्वेंशन किया था, जो उन्होंने वकला का कन्वेंशन किया था लाहौर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने अदलिया को बहुत बुरा भला कहा था, उसमें किराए के लोग आए हैं। कुछ वकला ने मुझे कहा था आप लोग हवा में बातें कर देते हैं, बगैर सबूत के और तहकीक के बात कर देते हैं। आज मैं सबूत देने जा रहा हूं और मेरा दावा है कि कोई इसको ये साबित करके बताए कि यह गलत फुटेज है, यह गलत रिपोर्ट है, या फोरेंसिक इसका टेस्ट कराना है तो करा लें कि गलत है, कि पुलिस वालों को वकीलों की वर्दी पहनाकर पुलिस की गाड़ियों पर ट्रांसपोर्ट किया गया मियाँ नवाज शरीफ का कन्वेंशन अटेंड करने के लिए। ये देखें निकल रहे हैं सारे के सारे, इनकी चालें भी देख लें, आपको उससे पता चल जाएगा ये वकला हैं कौन हैं। और इन्होंने जिस तरह से अपना टाइयाँ पहनी, कोट पहने, ये आपको पता चल जाएगा। पुलिस वालों की एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर आपने सिविल क्लोज में किसी पुलिस वाले को पकड़ना हो कि पुलिस वाला है कि सिविलियन है, तो उसका भी बड़ा सिंपल तरीका ही, देखें सारे पुलिस वाले जो हैं वो पुलिस की बस से निकल रहे हैं और फौरन उनको उतार के बस जो है वहाँ से आगे जा रही है। खरा सच में आपको एविडेंस दिखा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का जो कन्वेंशन था वकला का, उसमें पुलिस, पंजाब पुलिस के बहुत से लोग थे जो वकीलों के कपड़ों में मलबूस थे। मैंने आपको कहा ना कि पुलिस वाला पकड़ा जाता है हर जगह पर, अगर उसने शलवार कमीज भी पहना हो और वो किसी शादी पर आ जाए तो कहा जाता है कि आप खाने से पहले चाय सर्व कर दें। जो आदमी बिस्किट डुबो के खाएगा उसे कहे चल बाहर निकल, वो पुलिस वाला होगा, इसी तरह पकड़ते हैं। लेकिन आज यहाँ पे ये फुटेज देख के मियाँ नवाज शरीफ को भी शर्म आनी चाहिए, उनको सपोर्ट करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, और इन पुलिस वालों को जो ये जाली यूनिफॉर्म पहन के वकला का अंदर गए हैं, इनको तो बेइंतहा शर्म आनी चाहिए। और इनके ऊपर भी वीडियो फुटेज है,
इनके शक्लें भी हैं, अब देखते हैं कि इनके ऊपर पर्चा कटता है कि नहीं। लेकिन जब एक ब्रेक आऊँगा तो SSP सऊद, जिनको आज बेनज़ीर कत्ल केस में 17 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ, उनकी अहलिया खसूसी तौर पे पहली बारी आज खरा सच में अपनी राय का इजहार करेंगी कि उन्होंने इस केस को किस तरह से देखा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके लिए एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक। और ATR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,000 और 59 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहां से मेन दरिया है जहां पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि और इस बार मेरे पास उनकी 3 कंपनीज क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड। एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 कल्पोर फ्लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, तारे की सबने रोका। कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। बेहतरीन सहाफी होने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबशर लुकमान की बजाय शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है, जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3,400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्मे आज़ा। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूँ। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शुभान, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश लग रहा है। आजा दो कौन आजा फ्रेंड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA।
देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں بت پڑے ہوئے ہیں یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں یہاں مخلوق آ گئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار نیلام میرے مولا مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر ویلکم بیک فرام دا بریک کھرا سچ میں اس وقت بیگم سعود عزیز بھی شامل ہیں جن کے شوہر کو آج 17 قید اور 5,00,000 روپے جرمانہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں دیا گیا میں آپ کو کچھ تفصیل بتا دوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کی ویڈیو بھی موجود ہے اور مختلف چینلز نے اس کو بارہا چلایا بھی تھا پہلے اور آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ گر گئی تھیں پہلے ہی اور بلاسٹ اس کے بعد ہوا تھا بلاسٹ یقینی طور پہ سیکیورٹی لیپس تھا جو اقتدار میں رہنے والوں کی ذمہ داری تھی لیکن اگر بلاسٹ کی وجہ سے محترمہ شہید ہوئی ہوتی تو گاڑی میں موجود باقی لوگوں کو بھی کوئی سیویئر انجری ہوتی کوئی سیریس انجری ہوتی جو ان کو نہیں ہوئی اور گالی تو بلٹ پروف تھی تو باقی لوگ بالکل محفوظ رہے اگر محترمہ بھی گاڑی کے اندر ہوتی یا ان کو گولی نہ لگی ہوتی تو ان کو بھی شاید کوئی بچت ہو جاتی اس وقت جب بلاسٹ ہوا گاڑی جلسہ گاہ سے باہر نکل چکی تھی وہاں پہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو رہے تھے یا ان کو کیا جا رہا تھا پتہ نہیں لیکن بہرحال محترمہ کو اندر سے گاڑی کے اندر سے نکالا گیا یا وہ خود نکلیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے یہ ہدایات بھی کی گئی تھیں کہ جناب ایسا بالکل نہیں کرنا اور اس موقع پہ گاڑی روکنی نہیں چاہیے تھی ایسے موقعوں پہ اس کیس میں 68 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے لیکن محترمہ کے علاوہ جو 6 لوگ گاڑی میں تھے ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی محترمہ جس گاڑی پر سوار تھی اس میں کمپنی کی طرف سے کوئی ہیچ نہیں لگا ہوا تھا مینوفیکچرڈ ہیچ جس سے سن روف کو کھولا جاتا ہے گاڑی کے اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ وہاں پہ لگایا گیا تھا اور وہ یعنی حکومت کی طرف سے تو پرووائڈ نہیں کی گئی تھی لیکن بہرحال آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ ہیچ کھولا کس نے تھا اور گاڑی میں 3 لوگ ایسے تھے جو ہیچ کھول سکتے تھے لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ ہیچ کھولا کس نے
اہم بات یہ ہے کہ یہ مینولی آپریٹڈ تھا، آٹومیٹک نہیں تھا۔ خیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جنرلی بلٹ پروف گاڑی جو ہوتی ہے وہ اس کا کوئی شیشہ نہیں کھل سکتا، اس میں کوئی سن روف نہیں ہوتا، اگر وہ ہوگا تو وہ بلٹ پروف نہیں رہتی۔ میں نے کئی سال پہلے ایکسپریس ٹیلی ویژن کے اوپر اس وقت صفدر عباسی صاحب کا ایک بڑا تفصیلی انٹرویو کیا تھا، اور صفدر عباسی صاحب کو ایک سوال پہ میں بار بار لے کر آتا تھا کہ گاڑی کے اندر ہیچ کھولا کس نے تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں۔ سب کچھ ان کو یاد ہے، مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی ان کو یاد ہیں، ناہید خان کو بھی، صفدر عباسی کو بھی، لیکن یہ نہیں یاد دونوں کو بڑی کنوینئنٹلی کہ ہیچ کھولا کس نے تھا یا کس نے محترمہ کو ارج کیا کہ آپ جو ہے باہر نکلیں اور ایک سیکیورٹی لیپس ہو۔ آج کے فیصلے میں کئی سوالیہ نشانات ہیں اور بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن پہلے میں سننا چاہوں گا کہ بیگم سعود عزیز نے اسپیشلی میری ریکویسٹ پہ آج ہمیں جوائن کیا ہے کہ وہ ابھی اپنے شوہر کو جیل میں مل کر نکلی ہیں اڈیالہ جیل سے، وہ کیا بتاتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیگم صاحبہ مجھے بتائیں آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں آج کے فیصلے کے بارے میں؟ مبشر لقمان صاحب، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے، اتنا حیران کن فیصلہ ہے کہ اس پہ ہماری تو عقل، ہماری کیا کسی بھی عقل سلیم والے بندے کی عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ دو بے گناہ افراد جو کہ آپ کی حفاظت پہ معمور ہیں، جو کہ ساری عوام کو حفاظت دیتے ہیں، ان کو آپ ناپردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے جرم کا اقبال کر چکے ہیں ان کو آپ نے بری کر دیا تاکہ وہ ایک اور دہشت گردی کا پلان کریں، ایک اور جلسے میں جائیں، ایک اور قتل کریں، اور اس کی سزا پھر وہاں پر جو آن ڈیوٹی پولیس آفیسر ہے وہ اس کو بھگتے گا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں کا انصاف ہے، مگر کیونکہ یہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے تو ہمیں اس پہ قبول ہم نے کیا، لیکن مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے اور جسٹس سے، جوڈیشری سے پوری امید ہے کہ میں انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جاؤں گی اور یہ فیصلہ نالیفائی ہوگا اور میں وہاں سے جیت کر نکلوں گی۔ ایک سوال میں نے آپ کو پوچھنے سے پہلے میں نے ایک چیز دکھانی ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ہے میرے ہی ایک پروگرام کا ہے، 2010 میں یہ ہوا تھا، اس میں صفدر عباسی کو بار بار جب میں پوچھا تھا ہیچ کس نے کھولا تو ایک سلپ آف ٹنگ ہوا ان سے، وہ کیا تھا ذرا دیکھیں۔ آپ ساروں میں سے کس نے ہیچ کھولنا ہے؟ دیکھیں جی، میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری کبھی نہیں تھی ہیچ کھولنے کی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی یا خالد صاحب نے یا جو دوسرے ان کے سرونٹ تھے، کیونکہ کھولا یہ پیچھے سرونٹ تو کھول نہیں سکتا تھا، وہ تو ایک ڈائریکشن نہیں تھا۔ ہیچ صرف گاڑی کی دونوں کھول سکتے ہیں، یا آپ کھول سکتے ہیں یا خالد صاحب کھول رہے ہیں، یا آپ کھول سکتے ہیں یا خالد صاحب کھول سکتے ہیں۔ ہاں لیکن میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ ہیچ نہیں کھولا۔ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو تھا گاڑی کا، غالباً اس نے بیان دیا پولیس کو ابتدائی تفتیشی رپورٹ میں، اس نے یہ کہا کہ ناہید خان نے ہیچ کھولا، لیکن ناہید خان اور خان اور صفدر عباسی کو ان عدالتوں نے یا اس کمیشن نے کبھی بھی کوسچن نہیں کیا۔ بیگم سعود عزیز صاحبہ، کیا آپ کے شوہر نے یا آپ کے ان کے وکیل نے عدالت میں اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا؟ ہم نے تو بہت دفعہ یہ پوائنٹ اٹھایا، اور ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ایکسٹرنل نہیں تھا، یہ سیکیورٹی لیپس انٹرنل تھا۔ انٹرنل سیکیورٹی سعود کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس ایکسٹرنل سیکیورٹی تھی، اور ایکسٹرنل سیکیورٹی میں آپ دیکھیے کہ بے نظیر صاحبہ جلسے سے اسٹیج سے اتر کے ساتھ خیریت کے بوم پروف گاڑی میں بیٹھ گئے، وہاں پر سیکیورٹی ایکسٹرنل ختم ہو گئی، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اب اپنے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا۔ سعود عزیز یا خرم شہزاد یا کوئی اور پولیس آفیسر تو ان کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اندر سے کھولیں اور باہر آئیں، اور باہر نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے کسی نے نکالا۔ یہ پوائنٹ 10 دفعہ یا 100 دفعہ عدالتوں میں بیان کیا گیا، بتایا گیا، اور ہر شخص نے اس بات کی ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ابھی کہا کہ ان ملزمان کو ریلیز کر دیا گیا ہے جنہوں نے اقبال جرم کیا تھا، اقبال جرم انہوں نے کس کے آگے کیا تھا؟ کورٹ میں ہوا تھا، مگر اب وہ اس بات سے منحرف ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہم نے
پولیس کے دباؤ میں آ کے اعلی جرم کیا, جبکہ جہاں سے مجھے یاد ہے کہ ان کے ڈی این اے میچز ہوئے تھے, جہاں سے ان کے کپڑے اٹھائے گئے تھے, جہاں سے ان کی فون کالز ٹریس کی گئی تھی, وہ سارا ایویڈنس موجود ہے اور وہ عدالت میں ہے. اچھا, آپ کے شوہر پہ اور ان کے سبارڈنیٹ پہ جو الزام لگا ہے, کیا وہ کرمنل نیگلیجنس کا ہے کہ نیگلیجنس آف ڈیوٹی کا ہے؟ نیگلیجنس آف ڈیوٹی, دیر از نو کرمنل چارج آن دیم, اٹ از بریچ آف سیکیورٹی جو کہ ہے ہی نہیں میرے حساب سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک 119 ہوتی ہے دفعہ, مجھے ایگزیکٹلی اس کا نہیں پتا, وہ دو دفعہ ہیں جس میں کہیں بھی کرمنل نیگلیجنس نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے وکیل نے آپ کو بتایا, کیونکہ میری ابھی کسی وکیل سے بات نہیں ہوئی, کہ تاریخ میں ڈیوٹی پہ نیگلیجنس کے لیے کسی کو 17 سال قید دی گئی ہو؟ یہی تو مزے کی بات ہے کہ یہ ساری ایسے ہسٹری میں کوئی نہیں ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ ہسٹری میں لکھے جائیں گے, اس میں ایک کیس یہ بھی ہوگا. بہت سارے جو پہلے کیسز ہیں وہ ہمارے خلفائے راشدین کے ہیں کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ ثبوت دیے ہیں فیصلوں کے, یہ کیس بھی لکھا جائے گا. اور انشاءاللہ یہی کیس ہمیں جوڈیشری سے بھی اسی بیسس پہ ہمیں انشاءاللہ اس سے ریلیف ملے گا اور ہماری فتح ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے وکیل نے کیس نہیں اٹھایا کہ ماڈل ٹاؤن میں جہاں اتنی ویڈیو فوٹیج موجود ہے, وہاں پہ تو کسی پولیس والے کو 14 لاشوں کے باوجود نیگلیجنس کے اوپر جو ہے سسپینڈ تک نہیں کیا, بلکہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا, تو یہاں پہ یہ مجرم کیوں؟ یہ تو آپ عدالت سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا, میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتی. ہم نے تو یہ چیزیں بہت زیادہ اٹھائیں اور بھی بہت سے پوائنٹس اٹھائے گئے اور ہمیں بڑی امید تھی کہ انشاءاللہ یہ صحیح فیصلہ آئے گا. بہرحال عدالت نے جو بھی فیصلہ دیا اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دیا اور ہم پھر انشاءاللہ اپیل میں جائیں گے. اہم سوالات بے نظیر قتل کیس میں وہیں کے وہیں موجود ہیں. ایکسکیوز می, کہ انوکھا نظام انصاف ہے, بے نظیر بھٹو قتل کیس سماعت جو ہے 9 سال جاری رہی, کیس میں 8 چلان پیش کیے گئے, 300 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں, 7 باری جج تبدیل ہوئے, جن 5 افراد کو 9 سال جیل رکھا پھر باعزت بری کر دیا. ایک اور اہم راز اس میں سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے طارق کھوسا نے ایک ڈان کے اندر آرٹیکل لکھا, یہ کئی سال پہلے تھا ڈان اخبار کے اندر. آج میں نے جناب طارق کھوسا کو متعدد فون کیے, میسیجز بھی بھیجے, لیکن انہوں نے نہ میرے میسیج کا جواب دیا نہ انہوں نے میرے فون کال کو ریٹرن کیا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے رحمان ملک کو جو ہے طلب کیا کہ وہ آ کے بتائیں, کیونکہ وہ سیکیورٹی کے انچارج تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے, تو اس کے بعد مجھے ان تحقیقات سے ہٹا دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ سینیٹر صفدر عباسی اور ان کی اہلیہ نائید خان نے کھلے عام دعویٰ کیا ہے کہ سنائپر کی گولی کے ذریعے ان کے قائد کو قتل کیا گیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے وزیر داخلہ سابق وفاق بعد میں وزیر داخلہ بن گئے رحمان ملک سے مدد مانگی, جو کہ بے نظیر بھٹو کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے, تو میں نے 12 اگست 2009 کو ان کے باعتماد سٹاف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے ذریعے ایک خط ارسال کیا, تو اس کے بعد پتا چلا کہ ان کا تبادلہ ہو گیا. اس کیس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا جواب نہیں ملتا. بے نظیر بھٹو کی بیک اپ گاڑی وہ پہلے سے کیوں چلی گئی تھی وہاں سے, وہ بیک اپ گاڑی کے سواروں کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ خود بے نظیر صاحبہ کی گاڑی میں جو سوار تھے نائید خان, صفدر عباسی اور امین فہیم, ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ ان سوالوں کے جواب تو پتہ نہیں کبھی ملیں یا نہ ملیں. لیکن ایک بریک کے بعد بیگم سعود عزیز ہمارے ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے بریک. اور اے ٹی آر کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کوشچن کیا گیا تھا, خاص طور پہ جب اس ملک میں 9 لاکھ ان کے 12,069 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے. ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا. کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟
सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि और इस बार मेरे पास उनकी तीन कंपनीज क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 कल पार्ट फ्लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, तारे की सबने टोका, कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। बेहतरीन सहाफी होने पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबशर लुकमान की बजाय शोहरत, सीधी और सच्ची बात करना है। जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्मे आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूँ। बेटे क्यों बोलो, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएच। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फरानून। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में
देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں بت پڑے ہوئے ہیں یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں یہاں مخلوق آ گئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار ملا میرے مولا مخلوق کی آہ سننے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر رہے جنوں کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ کیا ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھیے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعرات رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر اور ADR کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کوسچن کیا گیا ویلکم بیک فرام دا بریک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مرتضیٰ وہاب اس وقت میرے ساتھ ہیں انہوں نے مجھے اسپیشل جوائن کیا ہے اور بیگم سعود عزیز صاحبہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں مرتضیٰ صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم مبشر صاحب مرتضیٰ صاحب آج جو بے نظیر قتل کیس کا فیصلہ آیا ہے اس نے تو بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے اور معذرت کے ساتھ میں قانون تو نہیں سمجھتا آپ بیرسٹر بھی ہیں ماشاءاللہ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جو مین لوگ ہیں جیسے نائید خان ہیں یا صفدر عباسی ہے ان لوگوں کے تو بیان بھی قلم بند نہیں ہوئے جو گاڑی کے اندر تھے جو امین فہیم صاحب تو چلے فوت ہو گئے لیکن پہلے بھی نہیں ہوا ان کا لیکن ان لوگوں کو کیوں چھوڑا گیا ہے اور یہ کس قسم کی تفتیش ہوئی ہے بہت شکریہ مبشر صاحب دیکھیں جو فیصلہ آج آیا ہے بی بی شہید مرڈر کیس کا وہ میں تو سمجھتا ہوں بڑا مذائقہ خیز فیصلہ ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو 10 سال تک آپ نے قید میں رکھا جو کہ ڈائریکٹ اکیوز تھے اس انسیڈنٹ کے بی بی کو شہید کرنے کے ان کو تو آپ نے لیک آف ایویڈنس پر چھوڑ دیا اور دو پولیس افسران کو آپ نے ڈیو ٹو نیگلیجنس آپ نے کنویٹ کر دیا لیکن جن صاحب کے کہنے پہ جو کہ اس وقت حاکم تھے اس ملک کے ایبسلوٹ پاور تھی جن کے پاس جو کہ مین لنک ہے اس کیس کے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی مرزا کہنے کا تو مطلب ہے یہ بھی مفروضے کی بات ہے نا اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ تو یہ بھی آپ کو اس کو ایویڈنس سنی ہے نا مبشر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں تھی اس وقت ایک عامر کی حکمرانی تھی پاکستان پہ اس وقت کے CCPO سعود عزیز صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا سٹیپ جو ہے وہ خود تو نہیں لے سکتے کوئی نہ کوئی اوپر سے ان کو احکامات آئے تھے جس کی وجہ سے ایویڈنس مٹانے کی کوشش کی گئی ہم تو شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ انویسٹیگیشن جو ہے فالٹی کی گئی ہے تمام جو لنکس ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی
ताकि बीबी शहीद के कातिलों को असली जो उनके कातिल हैं, जो उनकी सोच के दुश्मन थे, उनको पकड़ा ना जा सके। और परहैप्स अब ये जो कुवतें थी वो कामयाब हो गई हैं, बिकॉज ये जो फैसला है इस पर तो अफसोस ही होता है कि अगर मुल्क की पहली खातून वजीर आजम, इस मुल्क की इतनी हरदिल अजीज लीडर को इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिलेगा तो फिर पता नहीं आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरी कौम जो है इस वक्त मैं समझता हूँ सरापा एहतजाज है। एक बहुत ही अफसोसनाक फैसला है कोर्ट से, उसको कानूनी टर्म्स में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि देखिए ना बात। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे एक बात बताएं, सॉरी एक बात मुझे बताएं कि उस वक्त इतनी चीजें सामने आई थी, जो बैतुल्ला मसूद की टेलीफोन कॉल थी, सुसाइड बॉम्बर का सर था, उससे उसकी शनाख्त हो गई थी, और एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सारे आज तालिबान, अलकायदा और वो बैतुल्ला मसूद, वो सारा नेक्सस खत्म हो गया ना आज बीच में। मैं वही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें सारे एविडेंसेस जो थे, सारे जो इशारे उस वक्त की जो इन्वेस्टिगेशन के तहत भी आए थे वो टीपीपी की तरफ थे, लेकिन आज जो कोर्ट ने फैसला दिया वो तो टीपीपी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। जिन लोगों के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम था कि वो बीबी की शहादत में इन्वॉल्व थे, आपने उसको लैक ऑफ एविडेंस पर छोड़ दिया। तो शुरू से अगर आप देखें ना मुबशर साहब, जो तफ्तीश थी उसमें अगर आपको याद होगा बीबी शहीद की शहादत के दिन जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट आके दिए थे, ब्रिगेडियर साहब जो जमाने में स्पोक्समैन थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, उस दिन से लेके जो आखिरी चालान फाइल हुआ उसमें इतने फ्लॉज, इतनी चीजों को उन्होंने एड्रेस नहीं किया था। टारगेट एक ही था कि जो एक्चुअल असेलेंट थे, जो एक्चुअल बीबी शहीद को मारने में लोग कामयाब हुए थे, इनको टारगेट नहीं बनाना था, उनको महफूज रखना था, और ये फैसला इसी बात की अक्कासी करता है। तो इसका मतलब ये है कि आज जो फैसला आया इसको आप लोग मुस्तरद कर रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम क्या पूरी पाकिस्तानी कौम मुस्तरद करती है कि इस तरह का फैसला किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरे ख्याल में कोर्टें सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए रही हैं, तालिबान के लिए कोई चीज नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अब आपका लायअमल एज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्या होगा? मुबशर साहब, अभी तो जो तफसीली फैसला है वो हमारे पास आएगा, उसको हम पढ़ने के बाद फिर फैसला किस तरीके से अपील के प्रोसेस में जाएं और आया क्या इन अदालतों से हमें इंसाफ मिल भी सकता है या नहीं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, मुझे आप कानूनी बात एक बताइएगा, क्योंकि आप मेरे ही केस में वकील भी मेरे रह चुके हैं, तो आप रहनुमाई भी कर सकते हैं मेरी। जी जी। कि मुझे अगर किसी पे शक हो और मैं उसका नाम लेता हूँ टेलीविजन पे तो गलत होगा? किस चीज को? मुझे अगर शक हो कि यार कौन कौन कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार हो सकता है। आप बिल्कुल, एज लॉन्ग एज यू हैव रीजन टू बिलीव कि वो लोग इन्वॉल्वड हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं दो अफराद जो हैं, खास तौर पे नाहिद खान और सफदर बासी साहब, उनके जितने बयानात हैं मुझे, और मैंने तो उनका इंटरव्यू किया बड़ा तफसील से सफदर बासी साहब का, वो पूरा पता नहीं इतनी देर जितनी देर मैंने किया वो पानी पीते रहे और वो इधर से उधर रहे ये वो, और मुझे ये लग रहा था कि पुलिस की तफ्तीश में तो अ लॉट ऑफ एविडेंस मे कम आउट, तो ना उनको शामिल तफ्तीश किया गया, नाहिद खान को किया गया, फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट्स देना शुरू की थोड़ी बहुत वो ऐसी थी कि जैसे वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगवा दें, मेरे ऊपर लगवा दें, मुझे लग रहा था ये, मैं आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन ऐसे प्रिंसिपल विटनेसेस को क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया या जेर हिरासत नहीं लिया गया? देखें बिल्कुल, अगर आप किसी मामले की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो जो भी क्रेडिबल विटनेस अवेलेबल है जो कि आपको मामले की गहराई तक लेके जाएगा, आपको उसको प्रोब करना चाहिए, और कानून का मुसलमा प्रिंसिपल भी यही है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देखिए लेकिन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम डे वन, इनकी नीयत नहीं थी कि बीबी शहीद के कातिलों को पकड़ें। 27 दिसंबर की रात को इन्होंने, शाम को इन्होंने वो जो क्राइम सीन था आपने उसको मिटा दिया। ये तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि इनका इंटरेस्ट कभी भी कातिलों को पकड़ना नहीं था, ये एक साजिश थी जिसके तहत उन्होंने दुनिया की इतनी बड़ी लीडर को शहीद किया। और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कहती थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम्स की जरूरत होगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत होगी, बट अनफॉर्चुनेटली उस जमाने की जो हुकूमत थी उसने इन्वेस्टिगेशन में केस का मुजाहरा किया और चालान को पहले फाइनलाइज कराची केस को इनिशिएट करवा दिया। आपकी नजर से वो कॉलम गुजरा जो साबिक डायरेक्टर एफआईए तारिक खोसा ने डॉन अखबार में लिखा था कुछ साल पहले?
कौन सा आर्टिकल है अगर आप थोड़ा, जिसमें उन्होंने काफी बताया, और जब उन्होंने कहा कि मैंने जब रहमान मलिक साहब को तलब किया या कुछ जवाबात उनसे मांगे तो मेरी ट्रांसफर कर दी गई। मुझे, मैंने चूंकि आर्टिकल पढ़ा नहीं है तो मैं इसके बारे में, ये मुझे बताएं कि 5 साल तो आप लोगों की हुकूमत भी रही है और स्कॉटलैंड यार्ड भी उससे पहले आके जा चुकी थी, कम से कम स्कॉटलैंड यार्ड का तो बता दें कि उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। देखिए मुबशर साहब, जो केस हमारे मुल्क में चलता है वो चलता है चालान के बेसिस पे, और चालान जो है वो हमारी हुकूमत से पहले फाइनलाइज होके फाइल हो चुका था, तो उसके अंदर तो ना कोई हुकूमत इन्वॉल्व हो सकती है चालान के फाइनलाइज होने के बाद। तो हम शुरू से ये कहते थे कि फ्रॉम डे वन जो इन्वेस्टिगेशन की सिम्ट इन्होंने रखी थी वो सही नहीं थी, उनकी सिम्ट का एक ही टारगेट था कि जो एक्चुअल पर्पेट्रेटर हैं इतने बड़े गुनाह के उनको बचाया जा सके, और आज 10 साल बाद उन्होंने इस बात को साबित कर लिया कि आप इतनी बड़ी लीडर को शहीद कर दें और तब भी कुछ इस मुल्क में नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी 5 साल, तो उसने कौन से ऐसे इकदाम किए कि वो अपनी शहीद लीडर के कत्ल की तह तक पहुंच तो सकें कम अज कम? देखिए मुबशर साहब, जो यूनाइटेड नेशन से हमने टीम बुलवाई थी जिसके अंदर स्कॉटलैंड यार्ड के लोग मौजूद थे, तो हमने वो एक एफर्ट तो की, बट आप समझने की जरूरत ये है कि जो क्राइम सीन है, जो इंसिडेंट की जगह जिसको हम कहते हैं आम जबान में जगह वकूआ, तो उसको अगर आप बिल्कुल ही साफ कर देंगे, बिल्कुल सफाई से सुथराई से उसको खत्म कर देंगे, तो आप मुझे बताइए कैसे आपको वो शवाहिद मिल सकेंगे? आपको तो मोबाइल टावर सारा डेटा आता है, अगर वो आपको मुयस्सर नहीं होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा, तो आप कैसे तक पहुंचेंगे? मुबशर साहब, बहुत सारी जवाब देना चाहूंगी। जी बेगम साहब, एक मिनट आपका मैं जवाब जरूर लूंगा, सेनेटर साहब को बात खत्म करने दें। मैं सेनेटर साहब एक सवाल आपसे करना है, क्या आप टीवी के सामने हैं? मैं टीवी नहीं देख रहा सर जी, मैं कराची। अच्छा, मैं चलें आप, मैं इस वक्त एक फुटेज दिखाने लगा हूं, उस फुटेज के ऊपर एक सवाल है, ये खालिद शहनशाह की है, शहनशाह जो वहां पे इशारे कर रहा था, जरा इस फुटेज को देखें। तो ये फुटेज बड़ी जल्दी मंजरे आम पे आ गई थी, वो पता नहीं किसको क्या क्या इशारे कर रहा था, पहले वो जलसागाह के अंदर था और फिर बाहर। क्या आप लोगों ने इंटरनली इन चीजों की तहकीकात की? मुबशर साहब, अगर आपको, मैंने ये वीडियो बिल्कुल देखी है, पर अगर आपको याद होगा कि जैसी ये वीडियो मंजरे आम पे आई उसके चंद दिनों में खालिद शहनशाह साहब को भी कराची में मार दिया गया था, और इस चीज को भी फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सका इन्हीं वजूहात की वजह से। सो खालिद शहनशाह को भी मार दिया, एक और साहब भी मर गए, तो इसका मतलब है चेन के जितने लिंक्स हो सकते थे वो मरते गए? जी बिल्कुल, जो लिंक का मैं समझता हूँ, जो असल लिंक है उनको तो अभी तक इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया, उनको तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है। जी बेगम सऊद अजीज साहिबा हमारे साथ है, वो कुछ आपसे कहना चाह रही हैं। जी बेगम साहिबा। जी मुबशर साहब, मैं सेनेटर साहब से एक बात पूछना चाहूंगी कि ये जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि सऊद अजीज ने एरिया क्लीन करवा के एविडेंस गायब कर दिया, क्या इनको ये पता है कि 110 एविडेंस कलेक्टेड है और इन पिक्चर्स भी हैं? उसके बाद अगर वो एरिया वॉश हो जाता है और उसके बाद जो एक बुलेट शेल मिला वो किसने रिकवर किया? वो भी सऊद अजीज ने ही रिकवर किया ना, इन लोगों ने तो जाके नहीं रिकवर किया। मैं सिर्फ इनसे सिर्फ एक ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर उस वक्त शहर में हंगामा बिखर जाता जिस तरह लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि हर कोई समझ जाता कि ये बेनदीर का फोन है, तो क्या सऊद अजीज जवाब देना होते? अगर उस वक्त हंगामा हो जाता तो सऊद अजीज जवाब देता, अगर हंगामे को बचाने की कोशिश की तो सऊद अजीज जवाब देता। अगर आप इसी तरह एक फर्ज शनास, ईमानदार और अपने वफादार मुल्क के वफादार ऑफिसर्स को इसी तरह क्वेश्चन करते रहेंगे तो मेरे यकीन कीजिए कि ये जो पुलिस इंस्टीट्यूट है ना, इसमें नेक और ऑनेस्ट आदमी नहीं आएंगे, इसमें गुंडे और लुटेरों की ये माजका बन जाएगा, और वो सारे जो हैं वही इन लोगों से जो दहशत गर्द निमट सकते हैं, हम जैसे शरीफ लोग नहीं निमट सकते, जिनको ये हो कि मुल्क को बचाना है, मुल्क में हंगामा ना खड़ा हो जाए, मुल्क जल ना जाए, मुल्क शहर जल ना जाए, या लोगों की और खुदा ना करे हालात में ना हो। आपने अभी एक रिटायर्ड साहब का जिक्र किया सेनेटर साहब, और आपने कहा कि उनका जो बयान था उस वक्त, जो उन्होंने बयान दिया था कि जी वो गिरी और कुंडा लगा हुआ था, कुंडे से सर लगा और उससे डेथ हुई, आप उसी को रेफर कर रहे थे ना बेसिकली? जी जी, okay. जी, जी।
मेरा एक बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही एक बात, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एक तो रियासत के लैप्सेस हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ आप लोग आ गए, पूरी पार्टी है आपकी माशाल्लाह और इतने बड़े बड़े कानून दान हैं, तो किन वजूहात की बिना पे मोहतरमा का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया? अब मुबशर साहब, पहले तो मैं जो बेगम साहिबा ने बात की कि जो क्राइम सीन को मिटाने की जस्टिफिकेशन उन्होंने दी, मुबशर साहब पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो दहशतगर्दी की लहर इस मुल्क में आई है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में हुए जहां पे लोगों को शहीद किया गया, कितने क्राइम इंसिडेंट्स है जिनको मिटाया गया, कितने क्राइम इंसिडेंट्स है जहाँ पे सफाई की गई। तो ये बात कहना थोड़ा सा मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। ये बीवी शहीद तो अगर 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 मुर्तजा साहब अगर ये होता कि जहाँ इतना ज्यादा खून और बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, अगर 2-4 घंटे के बाद वहाँ चील कव्वे आते और वो ह्यूमन पार्ट्स को खाना शुरू हो जाते, तो वो फिल्म बेहतर थी कि ये वाली बेहतर थी? फोरेंसिक एविडेंस तो पोर्शंस में लिया जाता है, वो ले लिया गया, 110 उन्होंने कहा एविडेंसेस आ गए। देखें ये तमाम चीजें तो मुबशर साहब केस की फाइल में मौजूद हुआ, कितना एविडेंस कलेक्ट हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं तो फिर हर रूल पे अप्लाई होना चाहिए ना, कि जितने हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 16-17 साल के अंदर, तमाम क्राइम इंसिडेंट को साफ कर दिया। देखिये अगेन पोस्ट, देखिए बात ये है, बीबी शहीद जिस स्टैचर की लीडर थी, ये फैमिली की एक एक एक, एक पर्सनल चीज होती है कि फैमिली फैसला करती है कि आया वो उस जो जो कर्ब से गुजर रही है उसके अंदर वो एक्सटेंशन चाहती है या वो दे वांट टू गेट ओवर दैट फेज। तो उस वक्त फैमिली ने बेहतर ये समझा कि वो उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहते थे, दे वांटेड टू गेट ओवर सच अ मेजर ट्रेजेडी दैट हैड अकर्ड, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया। लेकिन बात बड़ी सिंपल है मुबशर साहब, आपने खुद कहा कि जो 27 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें लिवर का इंसिडेंट की बात की गई, और फिर किस किस तरीके से नए नए वर्जन आते गए जो शो करता है कि जो कौम को स्टोरी बताई गई उसमें डिस्टॉर्शन। मैंने तो मुर्तजा साहब, मैंने तो यानी एक तो आप ये कह रहे हैं कि फैमिली के कहने पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, एक तो मुझे ये समझ आई है। दूसरी बात यह है कि मैंने जिंदगी में मैंने आज तक कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं देखी जिसका सनरूफ हो, और तीसरा अगर ये बुलेट प्रूफ थी तो इसका शीशा क्यों शैटर हो गया था? ये तो मुबशर साहब, क्योंकि मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था, क्योंकि गाड़ी तो सऊद अजीज ने नहीं दी थी ना, गाड़ी तो आप लोगों की अपनी थी। देखिए मैं तो सऊद अजीज साहब के ऊपर पिन पॉइंट कर ही नहीं रहा, ये तो कोर्ट को सोचना चाहिए और कोर्ट को फैसला इस बात पर करना चाहिए, ये कोर्ट का मामला है, मैं उसमें पर कॉमेंट नहीं करूंगा। बट बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसके अंदर सनरूफ होता है उसका ऊपर का जो ब्लैक पोर्शन अगर आप देखें ना, दैट इज सपोज टू बी बुलेट प्रूफ। इस तरह ये गाड़ियां बिल्कुल अवेलेबल होती हैं और आपको अभी भी ऐसी गाड़ियां जो है वो सिक्योरिटी इंटराज में चलती हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक मिनट मुर्तजा साहब, एक मिनट बेगम साहब, आपने कोई बात कहनी है क्लोजिंग में? नहीं जी, बस मैंने यही कहनी है कि पुलिस इंस्टीट्यूट को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि प्लीज 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 अपने ऑनेस्ट और वफादार और कमिटेड ऑफिसर्स को साथ ये ना करें कि वो इस लाइन में आना ही छोड़ दें। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं एक बात कहूंगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो शहादत थी वो बहुत ही बड़ा अलमिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत से इत्तफाक या इख्तलाफ करना ये तो हर एक का हक है, और ये जमहूरी इकदार है कि आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और आप उनसे एग्री भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान की यानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और इतनी हर दिल अजीज लीडर, अगर उनके केस को 9 साल ड्रैग करके इसी तरह से उसको बंद करना था और छोड़ना था, और दो पुलिस वालों को एक नेग्लिजेंस के ऊपर 17-17 साल कैद देनी थी, जो मुझे नहीं पता कानून में है कि नहीं, ज़रूर होगी एंटी टेररिज्म लॉ में, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह से देना ही थी तो ये बजाते खुद बहुत मजीद सवालात को जन्म देगा। मेरा ये ख्याल है कि जब ये कोर्ट सुपीरियर कोर्ट में ये केस अब जाएगा तो इसमें और बहुत से पहलू सामने आएंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। और ATR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके
12,059 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے۔ ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا۔ کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟ صرف کھرا سچ۔ وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارا ظالم جاگیرداروں، وڈیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو۔ سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے، چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ اور اس بار میرے پاس ان کی تین کمپنیز کیو ہولڈنگز لمیٹڈ، کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ۔ ایکسپلین کی عورتیں جو ہیں 14 کلپارٹ فلائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی۔ سب نے روکا، دارے کی سب نے روکا، کبھی مجھے ڈرایا گیا، کبھی دھمکایا۔